हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी देखिए यहाँ पर मैं जो है दोपहर का लंच बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू छोले की सब्ज़ी, और छोले के साथ मैं आलू ज़रूर से डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मतलब कोई भी साबुत इस तरीके के चने छोले हो गए ना, उसमें आलू ज़रूर से चाहिए होता है, इसीलिए मैं आलू डाल ली हूँ। तो मैं सेंगे ही डाल दूँगी, क्योंकि है ना जब ये अच्छे से पक जाएंगे ना, तो उसी में मैं करछली से घोट दूँगी, तो इसमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यहाँ बना लेती, देखना चाबी ना गिरे। चलो ना, चलो उठाओ कार्तिक, उठाओ अपना थैला, उठा लो। चलो तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं ग्वारी घाट नहाने। आज पूर्णिमा है और सुबह से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे थे, तो बनता बनता है नहीं, थोड़ी थोड़ी सी बना लेते हैं और फिर उसके बाद मेरे को एंडिंग और आगे की बढ़ाना पड़ता है, मतलब आगे आप लोगों से फिर शेयर करना पड़ता है। दरवाजे लगा दिए हैं और आज अच्छी खासी धूप निकली है। पूरे कितने दिन बाद निकली? चार दिन बाद आज पूरी धूप निकली है, 4-5 दिन बाद तो धूप निकली है। फिर हम लोग जा रहे हैं, आज ना पूर्णिमा है, आज आखिरी वैसाख का महीना है, आखिरी दिन है। तो हम लोग, मैंने सोचा चलो नहा आते हैं, ये तो जा ही नहीं रहे थे, कहते नहीं नहाते वहाँ पर, मैंने कहा मैं तो चलते है कि नहीं नहा आते हैं। ये ना पर्दा भी लगा है किचन, खाना पीना हमने बना लिया है मस्त है ना, फिर आके खाना खाएंगे। काली की बस्ती में कब जाओगे हैं? गाड़ी ले चले महाकाल। गाड़ी में बैलगाड़ी की तरह 10 दिन में तो पहुंच ही जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे 10 दिन में। चलो फिलहाल तो ग्वारी घाट चलते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग अभी है ना जा रहे हैं, और आज मतलब मैंने ना सोचा कि चलते हैं, मेरा मन सुबह से था, सुबह से करते करते ये टाइम हो गया, लगभग दोपहर का ही टाइम हो गया, क्योंकि फिर वीडियो की एडिटिंग की, घर के काम किए, झाड़ू पोछा सब कुछ किया, और आज तो थोड़ा सा लेट भी हम उठे थे, क्योंकि रात में ना थोड़ा सा देर हो गई थी, तो इस वजह से आज थोड़ा सा लेट ही जा रहे हैं, लेट ही हो गए हैं, तो लेट जा रहे हैं। बस ये है कि आज हम ये जो वैसाख का महीना है ना, आखिरी वैसाख का आखिरी दिन है महीने का, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो नहा के आ जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे थे, कह रहे थे वहाँ नहीं नहाते, लेकिन यही है ना, हम एक जन के नियम खड़ने से क्या होता है, सारी दुनिया तो नहाने ही आती है ना नर्मदा जी में, लेकिन ये ऐसे ही बोलते हैं हमेशा। तो फिर मैंने कहा कुछ नहीं होता, चलते हैं, और वैसे भी हमें नहाना ही चाहिए, गंगा स्नान करना ही चाहिए। तो ना कुछ तो सुबह से ये अपने पैर को लेकर भी बैठे थे, पता है, पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है इनकी, जैसे एक बीमारी से मतलब लड़ रहे हों, और ऐसा कुछ है भी नहीं। हम लोगों ने भी चेकअप भी कराया, लेकिन ना कुछ समझ में भी नहीं आया, और है भी नहीं कुछ, लेकिन वही है ना, अंदर ही अंदर अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं आता। तो मालूम इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा परेशान रहते हैं, और दिक्कत रहती है थोड़ा सा पैर में, चलने फिरने उठने में, इस वजह से ना बहुत ही कम जो है हमें लाते ले जाते हैं जब हमें जाना आना होता है। फिर भी हम जैसे छोटी छोटी खुशियों को भी है ना, देखिए इस तरीके से खुश होकर मतलब रह लेते हैं कि चलो ये छोटी छोटी जगहों में आ जाते हैं। वो वहाँ काय के लिए, वहाँ वहाँ चलेंगे ना, वहाँ वहाँ अपन को नहाने भी कुछ कुछ नहीं, कितनी ज़्यादा वो हो गई है काय नीचे नर्मदा जी, खड़े कैसे हैं, पानी भी कम है, चल फटाफट नहा ले, आओ करते चाबी। हाँ
अब मौसम बहुत तेज़ी से खुला है ना, तो असली वाली गर्मी तो अब पड़ेगी ना, तेज एकदम बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब ये इतनी तेज़ धूप लग रही ना, बहुत ज़्यादा धूप है। आधी दोपहर ही में भी तो आए, तो ऐसी खुशियों में ना अच्छा भी लगता है कि चलो सबकी खुशी होती है, कहीं आसपास चले गए घूमने के लिए तो भी अच्छा लगता है, तो इससे भी ना सब खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर है ना हम लोग आ गए थे, उसके बाद ना अभी एकदम से अभी कुछ ही दिन हुए हैं जबकि बारिश हुई रही, उसके बाद भी देखिए नर्मदा जी कितनी कम लग रही हैं, मतलब पानी ना बहुत नीचे ही है। और हम लोग ने नहा लिया था और यहाँ पर मैं थोड़ा पूजा कर रही थी, जल चढ़ा रही थी, और यहाँ पर बस मेरी जो पूजा है वो हो गई। और अभी हम लोग सीधे नहाकर और चले जाएंगे, क्योंकि इतनी तेज वाली धूप हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, सब नहाए धोए सब बराबर हो गया था, क्योंकि बहुत तेज वाली धूप जो है वो थी। उसके बाद हम लोग है ना बहुत लेट हो गए थे, मतलब वहाँ जाने में भी और फिर घर आए, तो दोपहर का जो लंच है वो कर रहे हैं। मैंने खाना जो है वो सारा यहीं पर रख लिया है, सुबह मैं इसीलिए मैं बना कर गई थी, सब कुछ करके गई थी, क्योंकि है ना फिर कहीं से आओ ना तो किचन में जाने की इच्छा नहीं होती, खाना बनाने की कुछ भी करने की, तो ना इसीलिए मैं सब कुछ करके गई थी, किचन क्लीनिंग खाना पीना बना कर। तो यहाँ पर बस अभी हम लोग है ना खाना खा रहे हैं, तो मैंने छोले की सब्ज़ी और चावल बस यही बनाया, रोटी भी नहीं बनाई, रोटी रात की रखी थी पर हस्बैंड ने मना कर दिए नहीं खाना, तो बस दोपहर के टाइम में ना अक्सर मेरे घर में यही खाना होता है, चावल दाल चावल या सब्जी चावल, तो ऐसे ही खाते हैं। तो यहाँ पर ना कार्तिक को मैंने देखिए मिलाकर दे दिया है चावल और छोले। अच्छा एक चीज़ आप लोग गौर करेंगे कि मेरा कार्तिक ना अब हाथ से खाने लगा है, मतलब चम्मच से नहीं खाता है, क्योंकि हाथ से खाना ही ठीक होता है हमारा मानना है। और फिर उसके बाद खाना पीना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा लेट गए थे, और अभी मैं बस ज़्यादा नहीं मुश्किल से 10-15 मिनट ही मैं लेट पाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे 2:30 बजे ना एकदम झपकी टाइप में आती है, तो मैं वहीं लुढ़क जाती हूँ, तो फिर ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट ही लेटी हूँ, फिर उठ गई थी, फिर मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय बन रही है, तब तक यहाँ पर ये जो बेडशीट चद्दर है उसको मैं फोल्ड कर दे रही हूँ, क्योंकि है ना ठंड लगती है, पता नहीं क्यों यहाँ पर ना इस वाले रूम में ना बड़ा अच्छा लगता है, बिना कूलर पंखा के ना अच्छी नींद आ जाती है, पर यह है कि मच्छर काटती हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर रहती है ना, पर दोपहर के टाइम में कम ही रहती हैं, लेकिन सुबह शाम इतनी ज़्यादा मच्छर रहती है ना बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए बेड ये एक ठो हमने चादर जो है ना वो यहाँ पर रखी हुई है। तो अभी मैं यहाँ पर सब कुछ समेट दूँगी, चाय जब तक बन रही है तो झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो ही गया है। और यहाँ मैं गेहूँ निकाल कर रखी हूँ, और गेहूँ मैं फर्स्ट टाइम लाई थी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो पता नहीं मुझसे लेते नहीं बनाया ऐसा वैसा, मतलब मैंने अच्छे से देखा नहीं, तो इनको चेंज कराने जाना है, तो अभी मैं जा रही हूँ, ये कह रहे थे पूछ कर आ गए हैं दुकान में कि वो चेंज कर देंगे, तो चलो करके बोल रहे हैं, तो मैंने कहा चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। तो अभी कुछ ही दिन पहले ही लाई हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे तो वो लगा देंगे और उसके बाद दूसरा ले आएंगे, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है मेरे पास इतना कि मैं इनको धो पाऊँ, क्योंकि आटा बिल्कुल से ख़त्म हो गया था, और गलती ये हो गई कि मैं आते से ही देख भी नहीं पाई, तो बस अभी वही वाला काम करना पड़ेगा, गेहूँ लाकर और पिसवाने पड़ेंगे आज के आज ही। तो यहाँ पर देखिए चाय मेरी बन गई है, चाय मैं निकाल लूँगी और चाय पीकर फिर हम चले जाएंगे गेहूँ चेंज करने। और इस वाले वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।